देखिए, मैं भाजपा की सफलता का श्रेय न केवल नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को देता हूं, जिनके नेतृत्व और अर्थक प्रयास और प्रयत्न से हम लोग जीते हैं। मैं भाजपा का जो सुशासन पे एक ध्यान केंद्रित रहता है उसको देता हूं। अब आप तुलना करिए, एक तरफ हिमाचल राज्य में कांग्रेस की सरकार और एक तरफ गुजरात राज्य में हमारी सरकार। हिमाचल के 5 साल के कार्यकाल के बाद कांग्रेस को बुरी तरह से हिमाचल की जनता अस्वीकारती है। क्यों? क्योंकि सुशासन नहीं मिला। और गुजरात में 22 साल के लगातार कार्यकाल के बाद भी फिर दोबारा सरकार को जो है वो स्वीकारती है गुजरात की जनता। क्यों? क्योंकि उसमें अभी भी सुशासन का अनुभव और भविष्य की उम्मीद भाजपा के साथ लगी हुई है। तो ये दोनों चीजें तुलनात्मक तौर पे एक चीज स्पष्ट करती हैं कि एक तरफ नेतृत्व की कुशलता भाजपा में, चाहे वो नरेंद्र भाई जी का नेतृत्व हो, अमित शाह जी का नेतृत्व हो या स्थानीय नेतृत्व हो वहां पे, और दूसरी तरफ कांग्रेस में बिल्कुल नेतृत्व विहीनता, चाहे केंद्र का नेतृत्व हो चाहे स्थानीय नेतृत्व हो। और कांग्रेस ने तो पराकाष्ठा कर दी। स्थानीय 5 साल का जो कांग्रेस का नेतृत्व था गुजरात का, उसको तिलांजलि देकर, उसको दरकिनार करके आउटसोर्स करा बाहर से 3।